युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजतंत्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 5वें दिन कथाव्यास असरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य जी श्रीधराचार्य जी महाराज ने व्यास मंच से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सतयुग का समय होता है, प्रातःकाल का समय त्रेता का समय होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त और प्रातःकाल में प्रभु का संकीर्तन अधिक लाभदायक होता है। जब तक पृथ्वी पर वेद का पारायण होता रहेगा, गायत्री का जप होता रहेगा, यज्ञ हवन होते रहेंगे, तब तक पृथ्वी की रक्षा होती रहेगी। गौ और ब्राह्मण हमारे आधार हैं, क्योंकि ये जगत के कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित किए हैं। गौ माता यज्ञ की जननी है, क्योंकि यज्ञ की संपूर्ण सामग्री उन्हीं से मिलता है, पंचगव्य उन्हीं से प्राप्त होता है, बिना पंचगव्य के यज्ञ संभव नहीं है। ब्राह्मण वेद मंत्र व गायत्री मंत्र के माध्यम से लोक कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए सदैव धर्मशील राजाओं द्वारा ब्राह्मण के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया है। यदि भगवान की पूजा अर्चना बंद हो जाएगी, यज्ञ की स्वाहा की आवाज नहीं सुनाई देगी, पितरों का तर्पण नहीं होगा, तब भयंकर स्थिति होगी, घोर कलयुग आएगा। एक समय ऐसा था जब हम स्वतंत्र नहीं थे, बैठ के कथा नहीं सुन सकते थे, जिन्हें उदाहरण नहीं कर पाते थे, पर आज वातावरण अनुकूल है। हम भगवत मार्ग पर चलकर भगवत भजन में समय बिताकर परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्वी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि तपस्वी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, वह वैरागी होते हैं, परंतु वन में राम के सुंदर रूप को देखकर सभी ऋषि मोहित हो जाते हैं। जो समाधि में स्थिर महापुरुष होते हैं, वे भी भगवान के गुण एवं रूप का अनुभव करते हैं, प्रभु के आनंद रूप का मंगलमय रसपान करते हैं, कहते हुए व्यास ने मंगलम मंगलम भजन सुनाया। कथा व्यास ने कहा, जितना अधिक भजन करोगे मन उतना अधिक निर्मल होगा, और प्रभु तो निर्मल मन में ही बसते हैं। मन को कैसे निर्मल करें? जैसे 3 अक्षर का साबुन लगाने से शरीर निर्मल हो जाता है, वैसे ही 2 अक्षर प्रभु का नाम राम है, उसे जपने से मन निर्मल हो जाता है, कहते हुए उन्होंने राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन प्रभु राम का दर्शन पाएगा, भजन सुनाकर भाव विभोर कर दिया। भजन का महत्व बताते हुए कथा व्यास ने गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव मेरे राघव मेरे राघव मेरे राघव एवं जय दशरथ नंदन राघव जय यशोदा नंदन माधव भजन गाया। सर्वंग ऋषि का वर्णन करते हुए कथा व्यास कहते हैं कि वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। इतने बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी थे, जिनको लेने के लिए स्वर्ग से कई बार देवता विमान लेकर आए, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया। जब भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, तो मार्ग में ऋषि उनसे मिलते हैं। प्रभु से मिलकर वे बताते हैं कि मुझे आपके दर्शन के बाद ही परलोक जाना था, मुझे पता हो गया था कि आप अयोध्या से निकल चुके हैं, इसलिए मैंने बैकुंठ तक भी जाना उचित नहीं समझा। आपके चरण शरण को पाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, आप मेरे भाग्य से मुझे मिले हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आप मुझे ठुकरा भी देंगे तो भी मैं आपके चरण में ही रहना चाहूँगा। जैसे आग की चिंगारी को कोयले के खंड से अलग करो तो चिंगारी बुझ जाएगी, और यदि किसी बड़े कोयले से जोड़ दो, जब तक बड़े कोयले का पिंड धड़कता रहेगा तब तक चिंगारी जलती रहेगी। उसी प्रकार हम जब तक श्री राम के चेतन से जुड़े रहेंगे, तब तक हम राम से समाहित रहेंगे, तब तक हम धर्म से जुड़े रहेंगे, राम का दर्शन लेते रहेंगे और आनंद की प्राप्ति करते रहेंगे। कथा व्यास ने मिलती है संतों की संगत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, भजन सुनाते हुए कहा कि जीवन में कुछ बनाने का सबसे अच्छा मार्ग है सत्संग। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इसलिए जब भी सत्संग मिले तो अवश्य लाभ लो, क्योंकि जीवन का उद्धार सत्संग से ही संभव होगा। जिस प्रकार के कुसंगति जीवन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से सत्संग व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देता है। जब वन में सीता जी ने श्री राम से कहा कि आपका जीवन तपस्वी का जीवन है, धनुष बाण लेने की क्या आवश्यकता है, इसे ही आश्रम में रख दीजिए,
तब श्री राम ने कहा कि मैं अपने आश्रितों की रक्षा के लिए संकल्पित हूँ, मुझे अगर अपनी भुजाएं भी कटानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, धर्म की रक्षा के लिए मेरे हाथ में ये धनुष है। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, महंत रविंद्र दास, महापौर सीताराम जायसवाल, अवधेश सिंह, गोरख सिंह, अजय कुमार सिंह, महेश पोद्दार, दुर्गेश बजाज, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, ब्रजेश मणि त्रिपाठी तथा विनय गौतम उपस्थित रहे। अनसुईया जी के आश्रम में प्रभु पधारे हैं, वहां की तपस्या प्रत्यक्ष देख रही है। बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है, चित्रकूट बहुत रमणीय और महाराज जी का ध्यान तो इन तीर्थों में बहुत है। चित्रकूट पहले की अपेक्षा कितना संवरा है, बहुत सुंदर हुआ है, मार्ग बने हैं, रोप बन गया है, हनुमान धारा में कितने सारे अभी प्रकल्प चल रहे हैं। ऐसे दिव्य रमणीय क्षेत्र में जरूर दर्शन करना चाहिए प्रभु श्री राम। अनसुईया जी की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं और श्री अत्रि महर्षि का वर्णन करते हैं और भगवती अनसुईया जी तो जानकी जी को बुला करके पूरी कथा पूछती हैं, जन्म से लेकर अब तक बड़े धैर्य से जानकी जी बताती हैं। तो अनसुईया जी पातिव्रत की शिक्षा जानकी जी को देती है, बड़े सुंदर आभूषण और वस्त्र बहुमान के रूप में देती है अनसुईया जी, तो जानकी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। प्रभु राम बहुत गदगद हो जाते हैं, देखो देवी ये वस्त्र आभूषण देवताओं के देवियों के लिए भी दुर्लभ हैं, आज तुम्हें सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। वंदन कर, प्रणाम कर, नमन कर अनसुईया जी के आश्रम से प्रभु राम चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। कि जी ने लिखा ब्रह्म लक्ष्मी, तपस्या क्या है, ब्रह्म लक्ष्मी के रूप में दिखाई दी। प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा धनुष मैं भी तक बाण को रख करके संधान करके चल रहे थे, लेकिन अब धनुष बाण को नीचे कर लो, यहां किसी असुर राक्षस की शक्ति काम नहीं कर सकती है, बहुत सावधानी से हमें चलना है। लक्ष्मण हमारे मन वाणी और हमारे पदचार से कहीं किसी ऋषि मुनि का कोई निरादर ना हो। जीव चाहे मुक्त हो जाए, पांच प्रकार के जीव है ना, नित्य, मुक्त, मुमुक्षु, बद्ध और नित्य संसारी, पांच प्रकार के जीव। नित्य वे हैं जो भगवान के वैकुंठ में हैं, भगवान के साथ इस लोक में आते हैं और फिर भगवान के साथ वैकुंठ में चले जाते हैं। और मुक्त जीव वो हैं जो भगवान की कृपा से इस संसार से मुक्त होकर वैकुंठ में पहुंच गए। दूसरे और तीसरे जीव हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं कि प्रकृति भगवत कैंकरी में, सेवा में, भजन में बाधा डालती है, शरीर कभी रोगी हो जाता है, भूख प्यास लगने लगती, नींद लगने लगती है, तो ये प्रकृति, ये शरीर, ये संसार भगवान के भजन में बाधा डालता है, इसलिए इस प्रकृति से मुक्त होकर हम भगवान के वैकुंठ में जाना चाहते हैं, जिससे हम भगवान का वहां निर्विघ्न निर्बाध भजन कर सकें। इसलिए प्रकृति से मोक्ष चाहने वाले भक्त को मुमुक्षु कहते हैं। और तीसरे चौथा प्रकार के भक्त होते हैं जो बद्ध जीव हैं, प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। और पांचवें प्रकार के जीव हैं जो नित्य संसारी हैं,
वृक्ष हैं, पत्थर हैं, पर्वत के रूप में हैं, वो भी पता नहीं कितने कितने युगों तक वो इसी रूप में पड़े रहेंगे। अपने लोग किस श्रेणी में आते हैं? बोले बद्ध तो हैं ही, मुमुक्षु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। कब मुमुक्षु बनेंगे? जब ये भाव हमारे अंदर तीव्र होगा कि शरीर और ये संसार, प्रकृति, प्राकृत मंडल पूरा, चाहे देवलोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, 84 लाख शरीर कोई भी हो, ये सब हमारे भगवत भजन में बाधा डालने वाले हैं। ऐसी उत्कट इच्छा जब हो कि सबसे मुक्त होकर भगवान की सेवा में हम जाएं, तब हम मुमुक्षु कहलाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सभी ऋषियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, जितना हम भजन अधिक करेंगे मन निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति के लिए उतना ही मन हमारा पुष्ट होगा, सुदृढ़ होगा। परंतु मन को निर्मल कैसे करेंगे? बोले कपड़े में 3 अक्षर है ना, कापड़ा, अगर गंदा हो जाए तो 3 अक्षर वाली साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाता है। वैसे अगर मन में 2 अक्षर हैं, मन गड़बड़ हो गया, चंचल हो गया, अस्थिर हो गया, तो इस मन को निर्मल करने के लिए 2 अक्षर वाला भगवान का नाम जपना है। नाम जप, नाम जप, नाम जप बावरे। कलयुग में तो विशेष कर, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही, कलव नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी नाम की महिमा है। कैसे भी मन नाम जपो, मन पवित्र होगा, पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन एकाग्र चित्त होकर के अगर नाम जपें तो उसका विशेष लाभ है। जहां शरीर है वहां मन रहे, वहीं वाणी रहे और वहीं आपका मंत्र जाप चले तो आपको जल्दी सफलता देगा। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा तो निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन आओ जरा अनुभव कर लें। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन। राम राम बोलो, राम राम राम। हरि बोल। वृक्ष के पीछे और देख रहे हैं लक्ष्मण जी, जानकी जी सोचते हैं क्या हो रहा है, प्रभु आनंद मग्न हो रहे हैं, बहुत देर हो गई, अंदर की छवि हटाई, बिल्कुल व्याकुल हुए, सामने देखा तो वही प्रभु श्री चरणों में लोट फूट गए। ऐसे भक्त के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं, इस धरती में ऐसे प्रेमी जनों के लिए ही वैकुंठ से प्रभु आते हैं। रक्षो बधाई न केवलम विभो, राक्षसों का पद करना तो भगवान के चुटकियों का काम है, लेकिन ये जो भक्तों का आनंद प्राप्त करना और अपने दर्शन से आनंद देना, ये बहुत दुर्लभ है। ये वैकुंठ में बैठकर भगवान नहीं कर सकते। भगवत दर्शन अनुभव करके कूदते हुए, चलते हुए आनंद मग्न है, और ऐसी संपत्ति
जब मिल जाए, भगवत भजन की संपत्ति, भगवत नाम की संपत्ति, सत्संग की संपत्ति, भगवत ध्यान स्मरण की संपत्ति, उससे बड़ी संपत्ति और कोई दूसरी नहीं। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है लेकिन लखनलाल के बिना प्रभु राम एक दिन भी नहीं रहते इस धरा पर। वैकुंठ बता जाते इतना प्रेम बताया कि उन्नत स्थान है, यहां वर्षा में जल भी नहीं भरेगा, पास में नदी है, पास में ये फल फूल लगे हुए हैं, यहां पर्ण कुटीर का निर्माण हो जाए। श्री लखनलाल जी गए हैं, मोटे मोटे लकड़ियों के स्तंभ काट कर लाए हैं, फूस तृण लाए हुए हैं, बहुत सुंदर पर्ण कुटीर का निर्माण किया है, जो आंधी में न उड़े, पानी कितना मूसलाधार बारिश हो पानी भी अंदर ना आवे, ऐसे कुशलता को देख करके जानकी जी के नेत्रों में आंसू आ गए और राम जी को इतने प्रसन्न हुए महाराज, इतने प्रसन्न हुए, लखनलाल को हृदय में लगा लिया। और एक वचन यहां राम जी ने कहा है जिसको न समझने के कारण लोग आक्षेप करते हैं राम जी पर। राम जी ने क्या कहा लखनलाल से, एक बात तो ये कही, न संगता पिता मम भावज्ञेन कृतज्ञेन न संगता पिता मम, जैसे पिता एक पुत्र का ध्यान रखता है, पुत्र के भाव को समझ करके उसको खिलाता पिलाता ध्यान रखता है, वैसे मेरे भावों को, मेरे सुविधाओं को, मेरे सुख को अच्छे से ध्यान में रख करके देने वाले हैं लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि मेरे पिता दशरथ कहीं गए नहीं बल्कि तुम्हारे रूप में मेरे पिता के साथ चल रहे हैं। एक ये प्रमुख बात कही और दूसरी बात प्रभु राम ने कही, तदानुमहं समेष्यामि भरतेन महात्मना सत्त्वगुणेन च वीरेण त्वयाचार गुणनन्दन। कब ऐसा सुंदर समय आएगा कि मैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों से मिलूंगा। तीनों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से मिलकर मुझे आनंद का अनुभव होगा, कब ऐसा सुंदर अवसर आएगा मेरे लिए। तो लोग आक्षेप करते हैं कि लखनलाल जी तो पास में हैं, कहना चाहिए कि कब भरत शत्रुघ्न मुझे मिलेंगे, परंतु उनको समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार का भाव है राम जी का, जैसे कोई एक पुत्र विदेश में हो और पास में चार पुत्र हो और दीपावली का अवसर हो
तो मां नजदीक रहने वाले चार पुत्रों को याद नहीं करती, बार बार अपने विदेश रहने वाले पुत्र को याद करती है और उसको लगता है कि चार पुत्र नहीं नहीं मेरे पास। भाई भरत से इतना प्रेम है कि पास में रहते हुए भी लखन लाल जी ना के बराबर हैं। इसलिए प्रभु राम ने कहा कि कब समय आएगा कि तीनों भाई मेरे से मिलेंगे। पर्ण कुटीर का निर्माण कराकर प्रभु ने पुष्प बलि दी है। जो लोग आक्षेप करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार का, तो यहां पुष्प बलि कृत्वा गृह प्रवेश होता है तो पूजन होता है, तो प्रभु राम ने पुष्प की बलि चढ़ा करके पूजन करके उस पर्ण कुटीर में प्रवेश किया है। बहुत आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। श्री राजेंद्र सरकार लखन लाल से और जानकी जी से भरत के कितने सुंदर गुणों का वर्णन करते हैं। भरत के समान तीनों लोक में कौन होगा, सारा जगत प्रभु को याद करता, स्मरण करता, गुणगान करता है। बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज जगत के आधार प्रभु श्री राम भरत राम को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, और किसी और से नहीं, लखन लाल से, और किसी दूसरे से नहीं, अपनी सहचरी जानकी जी से गुणों का वर्णन करते हैं। बड़ी सेवा की लखन लाल जी ने, जैसा कहा था कि आम शरणम करिष्यामि जागृतम स्वपतश्चते, रात दिन जगकर मैं आपकी सेवा करूंगा, वैसे ही लखन लाल की सेवा कर रहे। सेवा देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हुए, तब लखन लाल जी ने विद्यार्थी की तरह प्रभु राम से पूछा। राम जी ने अपने जीवन में उपदेश नहीं दिया, कहीं कहीं थोड़ा अपने आचरण से करके दिखाना समझाना है लोगों को, शिष्य को गुरु से कब कैसे प्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए इसका भी विधान है। भगवान गीता में कहते हैं ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशंकिते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जनों के पास कुछ जानना है तो पहले वातावरण को अनुभव करो। ये नहीं कि अगले कोई ध्यान में है, भजन में है, पूजन में है, कोई चिंतन में है और आप पहुंच गए प्रश्न लेकर, आपको समाधान न मिलेगा। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणाम करो, श्रद्धा भाव रखो, समर्पण भाव रखो, जिज्ञासा के भाव से प्रश्न करो, परीक्षा के भाव से नहीं। तब तत्व ज्ञानी जन तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, सब भगवान गीता में कहते हैं। आज लखन लाल जी ने सेवा की है, प्रभु राम बहुत प्रसन्न है। पूछा, प्रभु माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया से बचने का उपाय क्या है। प्रभु राम ने बहुत अल्प शब्दों में बताया है, गौ गोचर
अध्यात्म।